मैं सालन भीमराव मुरगोड, मैं एक छोटे से गांव से, बेलगाम डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ खानापुर एक छोटा गांव है। गांव छोटा सा था लेकिन जो बचपना था वो बहुत अच्छे से बीत गया वहाँ पे। नदी पे जाना आना, खेलना कूदना। शादी इतनी जल्दी हो गई कि सब कहने लगे कि अरे लोग सब्जी लेने जाते हैं तो छांट के लेते हैं, ये अच्छी नहीं है ये अच्छी है, और आपने इतनी अच्छी सुंदर लड़की को एक रात में वो भी इतनी दूर भेज दिया, दिल्ली जैसे जगह पे। '80 में मैंने इनको कहा कि मुझे ना अभी भी कॉलेज जाने का मन करता है और मेरे को डिग्री लेनी है। ये बोले कि कैसे करोगी, तो बोले कि ओपन स्कूल से कर लेना। तो मैंने कहा ठीक है, एडमिशन हो गया, लेके आ गए, लेकिन मेरे को बच्चों के साथ घर में पढ़ाई नहीं हुई। तो मैंने इनको बोला मैं रेगुलर कॉलेज करूँगी, तो बोले टाइम कैसे निकालोगी, इतना काम है। मैंने बोला रोज जो मैं सोती हूँ ना रात में, उसमें मैं अपना काम कर लिया करूँगी, और बाकी घर से आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूँगी मैं आपको। एक तो खानापुर जैसे गांव से दिल्ली आना और दिल्ली में दो बच्चे होने के बाद कॉलेज में एडमिशन होना, मतलब मेरे लाइफ का सबसे बड़ा दिन था वो। अक्टूबर 1986 में मुझे गवर्नमेंट जॉब का ऑर्डर आया, फिर मेरी लाइफ चेंज हो गई, हिम्मत बढ़ गई, काम करती रही मैं। फिर धीरे धीरे पोर्ट्रेट में मेरा मन गया कि मैं पोर्ट्रेट भी बना सकती हूँ, और पोर्ट्रेट के बाद फिर मुझे लगा कि मुझे स्कल्पचर करना चाहिए। तो फिर सबसे पहला स्कल्पचर मैंने बुद्धा का बनाया, तो मूर्ति बहुत सुंदर आने लग गई, देखते देखते पूरी मूर्ति बन गई, तो मुझे मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया और अच्छी मूर्ति मतलब तैयार हो गई। उसके बाद सेकेंड मूर्ति मैंने अपने हस्बैंड की बनाई, मुझे लगा कि मैं चली भी जाऊंगी तो भी मेरा एक काम ये मूर्ति का रह जाएगा। मिट्टी का काम हो गया, फिर मेरे को लगा कुछ और करना चाहिए, तो मुझे डांस करने का बचपन से ही वो था कि मैं मतलब कुछ करूं, कल्चरल एक्टिविटीज़ करूं। उसके बाद नाटक, ऐसा लगता था कि मैं नाटक भी करूं, नाटक भी करूं। जब नाटक देखती थी ऐसा लगता था कि अरे मैं भी ऐसे, मुझे भी इस रोल को करना चाहिए, तो फिर मैं उसमें भी पार्टिसिपेट की और मैंने बहुत सारे रोल किए, जैसे लोगों को संदेश देने के लिए जंक फूड है और क्लीनलीनेस के ऊपर है, उसके ऊपर मैंने बच्चों से नुक्कड़ नाटक कराया, और इतना अच्छा नाटक कराया बच्चों से, बहुत ही मतलब सब जगह तारीफ होने लगी। और मैं इतनी खुश हूँ कि मेरा एक एम था कि 60 साल में मैं एक डांस जरूर करूँगी, एक नाटक करूँगी और एक पेंटिंग एग्जीबिशन जरूर करूँगी, तो सारी इच्छा मेरी भगवान ने शायद पूरी कर दी है। मेरे को लगता ही नहीं कि मैं रिटायर होने वाली हूँ, मुझे लगता है मेरी लाइफ अभी शुरू हो गई है। अभी ऐसा लग रहा है कि मैं और अभी काम करने के लिए मेरे को फ्रीडम मिलने वाला है, बहुत काम करूँगी और बहुत दिमाग में अभी और भी कुछ कुछ आइडियाज आ रही है और खूब अच्छी अच्छी पेंटिंग करूँगी। ऐसा कभी भी नहीं होता कि अप डाउन नहीं आए, सबकी ज़िंदगी में आता है, लेकिन जहाँ प्रॉब्लम होती है वहाँ एक सॉल्यूशन भी होता है, तो प्रॉब्लम को देख के रोना नहीं चाहिए, उसका क्या सॉल्यूशन है और हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखना चाहिए।
मैडम हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है, उनको देख के ही हमने जीना सीखा है. शी इज वेरी क्रिएटिव ऑल राउंडर एंड एक्सेलेंट कम्युनिकेटर एंड शी ब्रिंग्स जॉय इनटू द लाइव्स ऑफ सो मेनी पीपल. माई बेस्ट फ्रेंड, पॉजिटिव थिंकिंग ऑलवेज. और मैंने उन्हें बड़ा ही एनर्जेटिक, एक अपने लिए इंस्पायर जैसे करना, मोटिवेशन बना उनमें, मतलब मैंने अपने आप को उनके साथ देखा. शालू हमारे लिए एक इंस्पायरेशन है. फॉर मी शालू इज मैग्नानिमस, डायनामिक है, जो सोच लेती है उसको पूरा करती है, एनर्जेटिक है वो, कर्तव्यनिष्ठ. ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्किंग इज द सिंबल ऑफ मिसेस सैनल. मोटिवेटिंग, शी इज अ ग्रेट लेडी. सब सब है, शालू हमारी सबसे अच्छी है. माँ मेरी माँ प्यारी माँ, मम्मा ओ माँ मेरी माँ प्यारी माँ, मम्मा हाथों की लकीरें बदल जाएंगी, गम की ये जंजीरें पिघल जाएंगी, हो खुदा पे भी असर, तू दुआओं का है घर. मेरी माँ मेरी माँ प्यारी माँ, मम्मा हो माँ मेरी माँ प्यारी माँ, मम्मा. बिगड़ी किस्मत भी संवर जाएगी, जिंदगी तराने खुशी के गाएगी, तेरे होते किसका डर, तू दुआओं का है घर. मेरी माँ मेरी माँ प्यारी माँ, मम्मा हो माँ मेरी माँ प्यारी माँ, मम्मा. मेरी माँ प्यारी माँ, मम्मा हो माँ मेरी माँ प्यारी माँ, मम्मा. I love you. I love you.